दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, 10 जून से अनलॉक 2 में बड़ी छूट मिलने के आसार, सरकार ने दिए संकेत। दोस्तों झारखंड अब अनलॉक 2 की ओर है, 10 जून से कई और रियायतों के मिलने की उम्मीद है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने इसके संकेत दे दिए हैं। मंगलवार को उन्होंने कहा कि जीवन और जीविका बचाए रखने की चुनौती सरकार के सामने रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, पर अभी खतरा टला नहीं है। विशेषज्ञों की ओर से कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की भी चेतावनी दी गई है। ऐसे में अभी सतर्कता और एहतियात बरतने की जरूरत है। आपको बता दें कि 10 जून की सुबह 6 बजे अनलॉक 1 की समय खत्म हो रही है। झारखंड में 11 जून को कई जिलों में तेज बारिश की संभावना। दोस्तों झारखंड में मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 11 और 13 जून को झारखंड के कई जिलों में बारिश हो सकती है। झारखंड में 15 जून तक मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा। इसके साथ ही तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। झारखंड में अब 15 नहीं बल्कि 13 जून तक मानसून दस्तक दे देगा, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। पहले मौसम विभाग ने 15 जून तक मानसून के आने की संभावना जताई थी, लेकिन जिस रफ्तार से मानसून बढ़ रहा है उसको देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि 13 जून तक झारखंड में मानसून प्रवेश कर जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो जिले में वेदांता केयर्स फील्ड हॉस्पिटल का किया ऑनलाइन उद्घाटन। राज्य में हेल्थ कॉरिडोर बनाने की दिशा में सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं, ताकि हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। हेल्थ कॉरिडोर का यह कॉन्सेप्ट सिर्फ कोरोना महामारी तक सीमित नहीं होगा, बल्कि ग्रामीण इलाकों में व्याप्त अन्य बीमारियों के इलाज के लिए भी कारगर साबित होगा। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने बोकारो में वेदांता ग्रुप के 100 बेड वाले वेदांता केयर्स फील्ड अस्पताल का ऑनलाइन उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के शुरू होने से बोकारो के अलावा अन्य निकटवर्ती जिलों के लोगों को भी लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए हमारी सरकार ने जो रणनीति बनाई है वह काफ़ी कारगर साबित हो रही है। बेहतर प्रबंधन और संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए कोविड-19 की पहली लहर को काबू में करने में कामयाब रहे, वहीं दूसरी लहर में पूरी ताकत और क्षमता के साथ कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं। वहीं तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए रूपरेखा बनाने के साथ तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोरोना मामले में 79% की गिरावट, रिकवरी रेट हुआ 94.3%। दूसरी लहर में अब कोरोना के मामलों में हर दिन गिरावट देखने को मिल रही है। मंगलवार को मीडिया ब्रीफ के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, जहां 7 मई को देश में प्रतिदिन के हिसाब से 4,14,000 मामले दर्ज किए गए थे, वे अब 1,00,000 से भी कम हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 86,498 मामले देश में दर्ज किए गए। यह 3 अप्रैल के बाद अब तक एक दिन के सबसे कम मामले हैं। मामलों में लगभग 79% की गिरावट है। उन्होंने कहा कि 4 मई को देश में 531 ऐसे जिले थे जहां प्रतिदिन 100 से अधिक मामले दर्ज किए जा रहे थे। ऐसे जिले अब 209 रह गए हैं। पिछले एक सप्ताह में मामलों की संख्या में 33% की गिरावट और सक्रिय मामलों में 65% की कमी आई है। 6ठी जेपीएससी रिजल्ट रद्द मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने की सीबीआई जाँच की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 6ठी जेपीएससी के मामले हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाने का झूठा वादा कर चुनकर आई झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार ने उनकी सरकार द्वारा आदिवासियों मूलवासियों के लिए बनाई गई हितकारी नियोजन नीति को नहीं बचा सकी। नई नियोजन नीति बनाने के लिए यह सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार ने वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है, लेकिन सरकार के निकम्मेपन की वजह से कई नियुक्तियां खत्म होने जा रही हैं। रघुवर दास ने कहा कि
थानकारी के छठी जेपीएससी में पेपर वन जो हिंदी अंग्रेजी का पत्र था उसके अंक मेरिट के अंक में जोड़ दिए गए, जिससे झारखंड के हिंदी भाषी मूलवासी लोगों को नुकसान हुआ। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 60 से अधिक उम्र वालों की ज़्यादा हुई मौत। 1 अप्रैल से आई कोरोना की दूसरी लहर ने कहर मचा दिया। पिछले साल की तुलना में 3 गुना से अधिक मौतें हुई। अब तक कोरोना से झारखंड में 5,060 लोगों की मौत हो चुकी है। सेकेंड वेव में 3,947 लोगों ने अपनी जान केवल 69 दिनों में गंवा दी। इससे यह स्पष्ट है कि इस बार लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। इस बार मरने वालों में सबसे ज़्यादा 60 साल से अधिक उम्र वाले लोग हैं, जिनकी संख्या 1843 है। वहीं फर्स्ट वेव में 60 प्लस वालों का आंकड़ा 548 था। इस बार 0 से 14 साल के एज ग्रुप में सिर्फ 1 की मौत हुई, जबकि फर्स्ट वेव में मरने वालों की संख्या 4 थी। पीएम मोदी के फ्री वैक्सीनेशन के बयान का सभी दलों ने किया स्वागत, कहा देर आए दुरुस्त आए। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार की शाम को बड़ा ऐलान किया था। 21 जून से देश में 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को भारत सरकार की तरफ से फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। साथ ही अब नवम्बर 2021 तक देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा। पीएम के इस फैसले पर बीजेपी ने खुशी जाहिर की है, वहीं कांग्रेस और जेएमएम ने कहा देर आए दुरुस्त आए। वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी ने इस बड़े ऐलान के बाद अब वैक्सीन का 75% हिस्सा केंद्र और 25% प्राइवेट सेक्टर को दिया गया है। वहीं राज्यों से वैक्सीनेशन का काम वापस लिया जाएगा और अब केंद्र सरकार ही यह काम करेगी। कल से राज्य में 3 दिनों तक 18 प्लस लोगों का वैक्सीनेशन बंद। दोस्तों, झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर काबू में आने लगी है, ऐसे में इसके बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जोरों पर है। लोगों की संख्या के मुकाबले वैक्सीन में भारी कमी भी देखने को मिल रही है। अब अच्छी खबर यह है कि झारखंड को 10 जून की कोविशील्ड वैक्सीन के 1.80 लाख डोज मिलेंगे। इसे राज्य के 24 जिलों को उपलब्ध कराया जाएगा। मामले के संबंध में नोडल अधिकारी ने बताया कि 18,000 वायल मिलने के बाद राज्य में वैक्सीनेशन कार्य में एक बार फिर तेजी आएगी। अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन नहीं लेगा और कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में आया तो बड़ी परेशानी होगी। राज्यों को आबादी कोरोना के मामलों के आधार पर मिलेगी वैक्सीन, नई गाइडलाइंस जारी। कोरोना टीकों की खरीद से राज्यों को राहत देने के साथ ही केंद्र सरकार ने अब वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके तहत कोरोना टीकों के आवंटन से लेकर अन्य कई चीज़ों को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्यों को उनकी आबादी, कोरोना संक्रमण के प्रसार और वैक्सीनेशन की गति के हिसाब से टीके आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि टीकों की बर्बादी यदि होती है तो वैक्सीन के आवंटन में उसका असर पड़ सकता है। केंद्र की ओर से जारी यह नई गाइडलाइन 21 जून से लागू होने वाली है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि प्राइवेट अस्पतालों में लगने वाले कोरोना टीकों के दाम कंपनियों की ओर से तय किए जाएंगे। इसके अलावा राज्यों को छूट दी गई है कि 18 साल से अधिक आयु वाले लोगों के टीकाकरण के प्रायोरिटी ग्रुप में वे अपने अनुसार तय कर सकते हैं। सीआरपीएफ के 2 जवानों ने एक दूसरे को मारी गोली, दोनों की मौत। सीमरिया में पदस्थापित सीआरपीएफ 190 बटालियन के 2 जवानों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना सिमरिया स्थित कोविड-19 आइसोलेशन भवन में घटी। पुलिस घटना के कारणों के पड़ताल में जुटी हुई है। घटना की खबर मिलते ही एसपी ऋषभ झा व सीआरपीएफ के वरीय अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। एसपी ने कहा कि जांच के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए टीकाकरण को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वालों को टीकाकरण के लिए मानक प्रचलन प्रक्रिया जारी की है। सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एसओपी के बारे में जानकारी दी है। मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि केंद्र सरकार ने पढ़ाई, रोजगार और टोक्यो ओलंपिक के लिए जाने वाले भारतीय दल की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए टीकाकरण के लिए एसओपी जारी की है। ऐसे यात्रियों के पासपोर्ट से कोविन प्रमाण पत्रों को लिंक किया जाएगा। मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि
कि पासपोर्ट में कोविन सर्टिफिकेट के लिंक होने और वैक्सीन के टाइप में कोविशील्ड का उल्लेख होना काफ़ी होगा। इसके अलावा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में किसी और एंट्री की आवश्यकता नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर शिक्षा, रोजगार या टोक्यो ओलंपिक के लिए विदेश यात्रा करने वाले लोगों को जरूरत होने पर कोविशील्ड की दूसरी डोज 84 दिन होने से पहले ही देने को कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि जिन लोगों ने कोविशील्ड की पहली खुराक ली है और उनकी यात्रा की तारीख दूसरी खुराक के लिए तय किए गए 84 दिन पूरे होने से पहले पड़ रही है, उनको पहले ही डोज दे दी जाए। आयकर विभाग की नई ई फाइलिंग वेबसाइट जारी, कई तरह की नई सुविधाएं शामिल। आयकर विभाग की रिटर्न दाखिल करने के लिए ई फाइलिंग की नई वेबसाइट सोमवार को शुरू कर दी गई। इसमें करदाताओं के लिए कई तरह की नई सुविधाएं शामिल की गई हैं। जी हां, आयकर विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। आयकर विभाग ने incometax.gov.in नाम से आयकर दाताओं के लिए नई वेबसाइट पेश की है। इससे पहले की साइट का पता incometaxindiaefilling.gov.in था। नई साइट सोमवार देर शाम जारी की गई। अधिकारियों ने कहा कि वेबसाइट को स्थिर होने और करदाता आसानी से इसकी नई खूबियों का लाभ उठा सकेंगे, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। सरकार की ई गवर्नेंस योजना के तहत इस नए पोर्टल को लगन के साथ तैयार किया गया है।